What's up, lovely people? Welcome back to our channel. This is RPG and this is... कौन है ये लड़की? चियू! कितनी खुश रहती थी कैमरा में अपने आप को देख के. क्या? क्या? आप गलत. क्या? कुछ नया दिख गया? तुम ही हो ये. पकड़ लो इसको. सो आई हैव जस्ट रीच होम. अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और यहाँ पर चल रहा है लंच. मेरी बीवी की भी तबीयत ठीक नहीं है आज. कल से ठीक नहीं है थोड़ी थोड़ी, पर ठीक हो जाएगी, है ना भाई? ये तो चलता ही रहेगा. अभी कभी ठीक होगी कभी खराब होगी. सो दिस इज द पार्ट ऑफ दिस जर्नी. और यहाँ पर आई हुई है मिट्टी संत के साथ इस लड़की को मिलने. हैं 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 तो आज से पूरी पूरी कोशिश रहेगी मैं अपने रूटीन को फॉलो कर सकूं. जो मेरी डाइट है, जो भी मेरा शेड्यूल है, जो मैं फॉलो किया करता था उसको कर सकूं कुछ हद तक. बट लेट्स सी फिर भी कितना था. पर अभी तो मैंने एग्स चढ़ा दिए हैं अपने लिए, बॉइल्ड एग्स. आई विल ईट इन द लंच. अभी मैंने राइस खाए हैं थोड़े से, पोहा पोहा और राइस दोनों खाया थोड़ा थोड़ा. सो वो मेरा लंच था. एंड दिस इज एग्स, दीज आर एग्स जिसको मैं अभी खाऊंगा. उसके बाद आई विल टेक सम रेस्ट. उसके बाद हम जाएंगे जिम. आज 4 दिन बाद जिम जाऊंगा. थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं गया. सो आफ्टर 4 डेज आई विल बी गोइंग टू द जिम. सब कह रहे हैं कमज़ोर हो गया. 4 दिन में कमज़ोरी आ गई, ऐसे नहीं होता. और आज का सीन तो देखो, सुबह सुबह लंच पैक करते करते ही हमारे घर का सिलेंडर ख़त्म हो गया. उसके बाद क्या होगा मैं भी निकल ही रहा था, कुछ नहीं पता. बट हमारे हैं सब घर में आसपास, उनसे कॉन्टेक्ट करा, सुनीता आंटी से कॉन्टेक्ट करा, मतलब साक्षी की मम्मी से, कल चाची से बात करी. तो वहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है कि सिलेंडर ही नहीं आ रहा है. फिर हमने इसने अपनी मम्मी से बात करी तो सिलेंडर आ चुका है, वो लगा भी दिया मैंने. एंड तभी तो ये अंडे उबल रहे हैं. तो लड़की पूरी पूरी कोशिश में है कि यहाँ तक पहुँच जाए और ये अंडे के खा ले. खा सकती हो बेटा तुम? आओ कम 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 कम. आ गई है वो, पूछो मत. प्लेट तक ही तो पहुंची है. बेचारी की डेडिकेशन देखो, जैसे भी सारा अंडा खा जाएगी. क्या हो गया, थक गई? ये ले. बोला छूटते ही देखो हाथ मारा फटाक से. देखो 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 देखो. चालू चालू. बिचारी की नजर यही है, पूरी की पूरी नजर. क्या हो गया, नहीं दे रहे? बस दे दो प्लीज. आपका अंडा आपको हम खिलाते पर आप नहीं खाते ठीक से, है ना? ए चिंगुड़ी, ए चिंगुड़ी. आखिर का थोड़ा सा मैंने इसको दे दिया येलो पार्ट. शक्ल नहीं पता दिखाई उसने कैसे थी, मतलब देख नहीं पाया आप लोग इसने शक्ल कैसे बनाई थी. दोबारा दिखाऊं? आ आ करो. आ हाँ छोड़ दो उसके, ना नहीं करी. आ अच्छा नहीं लगा. अच्छा नहीं लगा. तो तू तो वही खाने भाग रही थी, मतलब मुंह में डालती. चलो कोई नहीं, बस इतना ही देंगे और नहीं. ठीक है, वो वही है जो अभी था. पेट जल्दी खराब हो जाता है इसका. कल लड़की ने चीख चीख के पागल बना दिया सबको. व्हाट्स एवरीवन, 6 in the evening. इसकी चल रही है यहाँ पे प्रैक्टिस. एंड लेट रहेगी यहाँ पे. हाँ शांति से लेटी है, बाबा इधर उधर उठाओगी. कैसी आवाज आ रही है? कुम कुम, क्या हो गया? है जी भैया, तुम अपनी वीडियो ना देख रही हो? ये वीडियो ना देख रही तुम? क्या हो गया, भर दिया? भर दिया? चलो जी इसको बदल लेंगे, सब यहाँ आ गया. बदलो अपना. बदमाश बदमाश लड़की.
रेडी फॉर द जिम। बंद हो जा बंद हो जा बंद हो जा। ओ गया। तो ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है मेरी लाइफ टाइम में, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि घर बैठे सब कुछ खाते हुए पीते हुए विदाउट एनी एक्सरसाइज मेरा जो वेट है वो 3 किलो घट गया इसी हफ्ते में। आई मीन जब मैंने लास्ट वीक अपना मेजर किया था वेट तो आई वॉज 95 पॉइंट कुछ, और अभी मैंने जस्ट मेजर किया है इट इज 92.65, 3 किलो। आई डोंट नो हाउ, पहली बार हुआ है। जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम द जिम और आज का वर्कआउट मैंने चेंज करा है कुछ, आज से मैंने वर्कआउट कुछ चेंज करा है। बहुत टाइम से सेम वर्कआउट हो रहा था सो आई जस्ट चेंज इट। मजा आया, चलते हैं। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि आप को 2 मिनट पहले तक वो काम याद होता है और फिर आप निकलते निकलते उस काम को भूल जाते हो? मेरे साथ भी हुआ, 7 बजे का मैंने चाची को टाइम दिया था कि मैं सिलेंडर पहुंचा दूंगा घर पे, क्योंकि दूसरा सिलेंडर आना है भरा हुआ, और 9 बज गए। मैं जिम से भी हुआ है, मैं बिल्कुल भूल गया। यहाँ आकर के साक्षी ने याद दिलाया, भैया तुम भूल गए। तो भैया उसी टाइम याद दिलाया था, मैं भूल गया था। पर जाते हुए अपना बैग भी मैं नीचे भूल गया जिम का। ये देख रहे हो कितना भूल रहा हूँ मैं आजकल चीज़ें। तो अभी पड़ेगी मुझे गालियाँ, उन्हें पता तो चल गया कि मैं आ गया। चलो जी, हेलो गाइस। गाइस मैं 2 घंटे लेट हो गया गाइस, क्योंकि मैं भूल ही गया था। मैं समझ गई, उठा के ले जाना पड़ेगा। तो अभी घर पहुंचा हूँ, प्रेज लॉर्ड। खाली है? नहीं खाली है। खाली यार भैया, यहीं तो लाया हूँ मैं। चलो जी खा ले। बस चाची चाची आप खाइए। गाली खाने से मैं बच गया और मैं घर आ गया हूँ। छोड़ दिया मेरे को, मतलब आज माफी दे दी। हाँ, और साथ साथ मैंने आज बड़े दिनों बाद मंगाया अपने लिए सब वे। कौन सा वे? सब वे। तुम खाओगी? खाओगी? चीज चीज खिलाते, चलो चीज खाओगी। आ चीज आ ले ले। क्या कर रही है? कुछ तो कर रही है। क्या कर रही हो तुम? ये क्या है? ये खुशबू आ रही होगी उसे। बस हो गया? खरी क्या दे दिया, मेरी शादी पे रख दिया। मैं ना बेटी बैट लगा रहे थे, क्या करेंगे मिट्टी का? इसने वो बैक चेन खोली। मैंने कहा मिट्टी, अगर इसने हाथ चेन के अंदर मतलब पॉकेट के अंदर डाला, ये हमारी सबसे स्मार्ट लड़की है। पूरी चेन खोली, आधी खोली थी पहले, पूरी खोली, फिर हाथ देखने के लिए है क्या अंदर। लड़की तो स्मार्ट है, सुंदर, स्मार्ट, ब्यूटीफुल लड़की है हमारी। तो मैं आपको इसके कुछ दिखाता हूँ। ये इसकी बुआ लेके आई है हमारे हमारे चीहू के लिए खरोड़े। आपने 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 देखा वो गाय भैंस के जो खुर होते हैं, खुर, सॉरी खरोड़े नहीं खुर। तो ये वही पहना दिए इसको बेचारे को। देखो बीच में इसमें गैप भी है। ये इसकी बुआ लाई, इसकी बुआ को बहुत पसंद है। तुझे पसंद है ना ये? इसके लिए भी ले आई। चीहू बेटा भारी तो नहीं लग रही खरोड़े? तो जी हम तो अपनी पेट पूजा करें। वेरी हंग्री आई एम आफ्टर द वर्कआउट, सो लेट्स ईट। क्या मंगाया तूने? इसमें क्या क्या डलवाया तूने? बाहर मच रहा है कती ज्यादा शोर, पता नहीं कौन सी झांकी निकल रही है, बारात निकल रही है। सारे बैंड वाले बजा रखे हैं, सारे एक से एक बैंड वाले, और यहाँ पे हमने चीहू को जुगाड़ कर रखा है। हेडफोन बना दिए चीहू को ताकि वो सोती रहे। हेडफोन फालतू का शोर मचा रखा है आगे पीछे पूरा। ओके अजीजो, तो सब तो गए हैं स्लीप और अभी हम भी जा रहे हैं स्लीप ने, और साथ साथ देखो इसकी हालत शक्ल। इसको डॉक्टर ने अब बोल दिया है कि तुम बेटा रेस्ट करो, ऑन दिस बेड टेक रेस्ट। सो अभी ये कुछ टाइम तक टेक रेस्ट करेगी ऑन दिस बेड, बिकॉज शी नीड बेड रेस्ट। ठीक है, तो अभी हमें भी नींद आ रही है, अभी जस्ट सोएंगे। मेरी कमर में एक पॉइंट पे हो रहा है कुछ, हल्का सा पेन एक्सरसाइज करते ही शुरू हो गया था। सो अभी मैं इस मसाजर से कुछ करूँगा उसमें, उस पॉइंट को दबा करके कुछ हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर देखते हैं।
तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड ऐसे करते हैं। आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो क्या करना है, आप लोगों को पता है क्या ड्रिल, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, कमेंट।